वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. दिस इज़ योर ग्रामर क्लास. टुडे वी विल डू लेसन नंबर 3 ऑफ योर ग्रामर बुक. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दिस इज चैप्टर नंबर 3 एंड लास्ट वीक वी हैव डन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड दिस वीडियो इज अबाउट the subject and predicate. Actually, a sentence is made of two parts, subject and predicate. So today our matter of concern is, what is subject in a sentence and what is predicate? In every sentence there is one subject and predicate. सो जो सब्जेक्ट है वो किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट इज एक्चुअली अ नेम ऑफ पर्सन और थिंग. किसी भी पर्सन और थिंग का जो नेम है जब किसी सेंटेंस में आता है तो दैट इज सब्जेक्ट. अबाउट होम वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, सो वो क्या है? सब्जेक्ट. एंड जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, लाइक जो वर्ब है उस सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट है. जिसका नेम है, जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो थिंग है चाहे पर्सन है, वो सब्जेक्ट है. और जो काम हो रहा है, इसे हम वर्ब बोलते हैं. जो काम हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. आपके पास फ्यू ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हो वो एग्जाम्पल्स को. जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सो हेयर बर्ड्स क्या है? दैट इज नाउन, है ना? कोई नाउन है. बर्ड किसी का नेम है, किसी क्रिएचर का, है ना? जैसे एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. तो जो बर्ड्स हैं यहाँ पे वो सब्जेक्ट है. बर्ड्स के बारे में बात हो रही है ना. What they are doing, कर क्या रहे हैं वो? Fly in the sky. Birds fly in the sky. Birds sky में fly करते हैं. So here birds are the subjects and जो rest of the sentence का part है वो क्या है? Predicate है. Okay? ऐसे ही जो second example है, this dog runs fast. So बात किसके बारे में हो रही है? डॉग के बारे में. एंड हु इज सब्जेक्ट हेयर? डॉग. सो डॉग क्या हुआ? सब्जेक्ट. तो बात हो रही है डॉग के बारे में और उसकी स्पेशलिटी के बारे में किसी डॉग की, कि वो जो डॉग है रन्स फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है. सो प्रेडिकेट में क्या आ गया? वो क्या करता है, क्या काम हो रहा है, वर्ब आ गया ना इसमें. जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में भी फ्लाई वर्ब है, सेकेंड में रन्स वर्ब है ना. सो जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो थिंग्स हैं, चाहे वो पर्सन्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, कोई भी क्रिएचर है, जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट. एंड जो बात हो रही है, जिस काम के बारे में बात हो रही है, दैट इज प्रेडिकेट. एंड वन मोर थिंक अबाउट this content, let us start reading subject and predicate. So it was the introduction. Every sentence that we speak or write has two part. जैसे मैंने पहले बताया, हर sentence जो हम बोलते हैं या जो लिखते हैं वो क्या consist करता है? Two parts होते हैं उसमें. The part of a sentence which names the person or thing that we talk about is called the subject. वो part जिसमें किसी का name है, चाहे person का चाहे thing का, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है? Subject है. The part which contains a verb, sentence का दूसरा part जिसमें verb है और जिसमें says about something, the subject is called predicate. जो सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट. सो
सेंटेंस का पार्ट जिसमें किसी पर्सन और थिंग का नेम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। और सेकंड क्या पार्ट है, जिसमें कि वर्ब होता है और जिसमें से सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो, दैट इज प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। सो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। एक के बारे में भी बात की जा सकती है सब्जेक्ट में, बहुत जनों के बारे में भी बात हो सकती है इसमें। लाइक ज़्यादा नेम्स भी हो सकते हैं, एक नेम भी हो सकता है, ओके। और द प्रेडिकेट कैन बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेम हेयर। प्रेडिकेट एक वर्ड भी हो सकता है सब्जेक्ट के बाद, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, उसमें तीन चार पाँच आगे जितने भी चाहिए उतने वर्ड्स हो सकते हैं एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो सब्जेक्ट ऐसा ही सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ओके। और सब्जेक्ट एक और बात क्या है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन जैसे किसी का नेम हो गया, लाइक वान्या, लाइक रीता, रणवीर जैसे हमने पहले पढ़ा, और ये किसी के नेम है, ये नाउन भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नेम भी हो सकता है, किसी प्लेस का नेम भी हो सकता है, बर्ड्स के नेम हो सकते हैं, एनिमल्स के, एनीथिंग। सो सब्जेक्ट में किसी का नेम हो सकता है, मतलब वो नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, और प्रोनाउन भी। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, ये भी हो सकते हैं, ओके। सो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, जैसे ही, शी, और एक नेम हो गया, इट सिंगुलर हो गया, है ना। और ये ऐसे भी हो सकता है कि दे हैव डन दिस, दे हैड मेड मी हैप्पी। सो ये दे क्या हो गया, प्लूरल, ओके। चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइस, सो चिल्ड्रन क्या हो गया यहाँ पे, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, आर मेकिंग नॉइस, वो शोर कर रहे हैं। सो चिल्ड्रन इज अ सब्जेक्ट, और बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन की बात हो रही है तो ये क्या है, प्लूरल। सो मैं कहना क्या चाहती हूँ बेटा आपको, ये कि जो आपका सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, पर नाउन भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। यू हैव फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स, सम ऑफ देम आर वी हैव ऑलरेडी डन। फर्स्ट वन, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सो बर्ड्स आर द सब्जेक्ट हेयर। सेकेंड, दिस डॉग runs fast, so this dog is a name of animal, a type of animal, so runs fast, जो बहुत तेज दौड़ता है, है ना। थर्ड, this machine, अब ये मशीन के बारे में बात हो रही है, is out of order, जो ये मशीन है that is out of order, ये अभी काम नहीं कर रही है, जिसने काम करना बंद कर दिया है, okay? So जो मशीन है वो क्या है यहाँ पे, subject। फोर्थ, द राइटर, राइटर यहाँ पे अ नेम ऑफ पर्सन, राइट्स अ बुक, सो राइटर क्या करता है, एक बुक राइट करता है, सो राइट्स अ बुक इज प्रेडिकेट। फिफ्थ, द चाइल्ड इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस, जो बच्चा है वो बहुत नॉइस कर रहा है, सो बात किसके बारे में हो रही है, अबाउट अ चाइल्ड, द चाइल्ड। सिक्स, द गंगा इज अ होली रिवर, so the Ganga is name of a river, so what they are talking about Ganga, Ganga is a holy river, so Ganga एक sacred river है। Seventh, monkey has a long tail, here monkey is an animal, so monkey subject हो गया, उसके बारे में बात ये हो रही है कि monkey has a long tail, so has a long tail is predicate। The moon shines at night, so what they are talking about moon, that moon shines at night, जो moon है वो रात को shine करता है, so the moon here is subject। Ninth, those boys play football every day, so जो boys हैं उनके बारे में बात हो रही है, so वो subject हो गए, सो वो क्या करते हैं, दे प्ले फुटबॉल एवरी डे, दैट इज प्रेडिकेट। टेंथ, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ ज्वेलरी, सो हेयर उनके बारे में, ऑर्नामेंट्स के बारे में बात क्या हो रही है, दैट
आर मेड अर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब जो ज्वेलरी है वो मेटल की बनी होती है, जो मेटल गोल्ड भी हो सकता है और सिल्वर भी हो सकता है. इट्स वेरी सिंपल कि आपको अलग से सब्जेक्ट रो दी गई है और अलग से इसको प्रेडिकेट रो दी गई है आपको, और दोनों में से आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है और प्रेडिकेट क्या है ना. आई होप दैट दिस इज ऑल क्लियर टू यू. बट जैसे पहले अपन ने बात की कि सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं. नाउन मतलब किसी का नेम, किसी चीज़ का नेम, और पर्सन का नेम, लिविंग बींग्स का नेम, कुछ भी हो सकता है. जैसे लुक एट द कॉलम ऑफ सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट के कॉलम में आप देखोगे कि जो बर्ड्स हैं ये किसी क्रिएचर का नेम है ना. द डॉग किसी एनिमल का नेम है, एक एनिमल है डॉग, है ना. दिस मशीन, मशीन किसी थिंग के बारे में बात की गई है. ओके, सो नाउन के बारे में, ये नाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट मेरे कहने का मतलब, और ये प्रोनाउन भी हो सकता है. ओके, अभी द राइटर, द चाइल्ड, ये सब नाउन में आ जाते हैं. द गंगा, जैसे गंगा किसी रिवर के बारे में बात है, नेम है किसी रिवर का, है ना. मंकी किसी एनिमल का जैसे बोल दे नेम है. एंड मून, ओके, ये भी नेम है ना. देन बॉयज और ornaments, ornaments किसका नेम, लाइक किसी ज्वेलरी का नेम है ना. तो ये सब नाउन हो गए, नाउन्स हो गए. बट प्रोनाउंस भी हो सकते हैं. जैसे आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन भी हो सकता है. प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट, दे, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ वेरी गुड डांसर, दे आर कमिंग वेरी सून. सो इन ऑल दीज सेंटेंसेस ही, शी, दे प्रोनाउन हो गए. बट ऑल इन ऑल ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं. सेकेंड, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं. जैसे अभी सब्जेक्ट वाली अगेन रो देखो आप, उसमें बर्ड्स प्लूरल है, डॉग सिंगुलर है, मशीन इज ऑल्सो सिंगुलर, राइटर, चाइल्ड, गंगा, मंकी, मून, ये सब सिंगुलर है. उसके बाद फिर बॉयज एंड ऑर्नामेंट्स आर प्लूरल. ओके.